सो गाइज हम डिले पे डिले चले जा रहे हैं, 7 बजे के उठे हुए हैं एंड ब्रेकेज हो चुका है अभी तक। ये छोटा हमारा तब से सेल्फ से सेल्फी लिए जा रहा है यार, बढ़िया क्यों मजाक कर रहे हैं यार। मेरे को एक दो शूट करना था, बड़ी सारी चीज़ें करनी थी इसलिए मैं अपने भाई को बहुत लेट किया। कैसे चल आ यार, बड़ा क्यूट लग रहा है मेरा भाई, मुझे भी ऐसे क्यूट बना दे यार, फिर हम दोनों क्यूट बॉयज डांस करेंगे। तो गाइज हम जा रहे हैं पैंगोंग, पता नहीं वहाँ पे रहने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ओ वाह आ गया सामान लेने में आ गया। ब्रेकेज हाय ये लो। अब हम गाड़ी में बैठे हैं जल्दी आ। सो गाइज टाइम आ चुका है, छोटा एंड बड़ा एंड सौतन जा रहे हैं पैंगोंग। अभी इन दोनों लड़ रहे थे, मेरे को तो देखो गाड़ी चलानी नहीं है। कोई अपना लैपटॉप दे जल्दी, मुझे तो इसको चाहिए। तो मैंने 1 घंटे व्लॉग एडिट कर दिया है। हां जल्दी चैंपियन निकला है, जल्दी कर ले। मेरा लैपटॉप कहां है? अबे मेरा बैग पीछे तो नहीं डाल दिया अबे? फाइनली अच्छा ये बताओ ऑक्सीजन किसके लिए दिया है? इसके लिए दी ना ऑक्सीजन? किसके लिए दिया? नहीं नहीं ये मत बोल, हम तो सब के लिए दिए, इसके लिए दिए ना, खुदा गवाह है किसके लिए दिया है। भैया भाई मिस्टर, अरे एक मिनट डिक्की बोलना। नो आईडिया, मुझे रात को 11:30-9 बजे फोन आएगा, उन्होंने कहा कि भैया इंशाल्लाह ऐसा ना हो, तीनों को एक ही कमरे में। 12 मिनट शुरू करो, अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम बोलो, राम राम राम। अबे छोटे कहाँ से जा रहे हैं? पेट्रोल वैसे पेट्रोल से खुलना। क्यों? ये निकला चाइनीज। सीट बेल्ट पहनो प्लीज। शट अप बदमाशी। क्या बढ़िया था गुरु। तो गाइस हमने अभी हवा भरवा ली है बढ़िया एकदम। आई थिंक इसका सेंसर खराब है, हवा हुआ है, पर अब देख उसने देख सब में इक्वल कर दी। अबे वो इक्वल 45 है तो बहुत ज्यादा है, 39 तो अगर 45 उसमें भरी तो इसमें 33 दिखा रही है, which is great, which is great. वो उसका भी खराब हो सकता है, इससे भी खराब हो सकता है, तो मैं बीच का लगा के चल रहा हूं। 30 है यही हुआ था जब हम ऊपर नहीं आ रहे थे। हां तो जो उनके होते हैं वो 5 ऊपर ही होते हैं। बबलू इधर जाना स्ट्रेट, छोटे को मैं रास्ता बता दूं, चांगला में बबलू चांगला करेगा। सो गाइस हमें यहां पे 1 घंटा हो चुका है तब से हम बैठे हुए हैं, 1 घंटा नहीं आधा घंटा हुआ है, जाम लगा होता है यहाँ पे तब से, और ऊपर से पूरी कॉन्वॉय भी आ रही है भाई, ब्रेकेज हो जाएगा अब देखिए। यानी बबलू ट्रक निकलेगा आगे कर ले, नहीं तो हॉर्न मार के इसको, हॉर्न मार ये निकलेगा नहीं। मारी बाइक ने गाड़ी में। सो गाइस जैसा कि हम सोच रहे थे कि ये होना, बट यही हुआ, एक गाड़ी हमारे आगे जो अटक गई, अब इसके चक्कर में हम भी अटक गए। साला इसको चलाने नहीं आती, बीच बीच से लेके जा रहा है, अल्टो है, अल्टो चढ़ जाती है यार, चढ़ाई नहीं एकदम से, स्पीड में जाना था इसने, दुक 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 करते हुए धुड़क धुड़क हो जाता है, इसने ब्रेक मार दी। अब कंपास भी हमारा वेट कर दिया है, कंपनी नाइस नाइस, चल 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 अटक गई, चल 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 धक्का मार दिया भाई, उठा दिया। ओ भाई चढ़ा दी बेटा, चढ़ा दी बेटे बेटे, मौज करा दी बेटे बेटे, ओ बेटे मौज कर दी, हां मौज कर दी, वाह बेटे वाह। चल चल उठ उठ, एक ही बार में हां हां डाल दियो, थोड़ा लेफ्ट से लियो, थोड़ा लेफ्ट से लियो, ठीक है। इसका तो रख दे, अबे खोलो। ओ लेडी ड्राइवर, अब अगला ऐसा क्लाइंट भाई करेगा। चल 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 चल, ये क्या है ये? चली नहीं रही। अरे ये पता है इसमें, अब गाइस एक थोड़ा सा ग्लॉस्टर का रिव्यू मैं देना चाहूंगा। तो ग्लॉस्टर में ये है कि जो लो आरपीएम पे जो टॉर्क डिलीवरी है बहुत तगड़ी है, तो अगर कहीं फंसती भी है तो आराम से स्मूथली निकल जाएगी, आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है। ऐसे धीरे धीरे, मतलब ऐसे कि अगर अटक भी जाती है धीरे धीरे पिकअप लेती है, बट अगर ऐसे बैठ के तो चढ़ी जाती है ऊपर। मतलब ये देखिए बेवकूफ होते हैं इसके जैसे, ये देख इसको आग लगी होगी। अरे मैं वही बोल रही हूँ, अगर एक सीधी लाइन में लगे रहते हो तो आराम से, इसको आग, इसको आग लगी हुई है साले को, और एक के पीछे सारे आ रहे हैं, और एक के पीछे सारे आ जाएंगे। गुड जॉब, एक आया एक कुएं में कूदा उसके पीछे सारे कूदे। यार छोटे बचा दे यार इनके, एक चाटे लगा दे यार, मैं शीशा फोड़ ऐसे मुक्का मार के ना, सुन साइड में रहना, मुक्का मार के तोड़। ये पागल हो गया
अरे बंदा बैठा तेरे साथ दिल्ली का एमिट मारेगा सबके। यहाँ पे गाजियाबाद की गैंग गैंग्स ऑफ गाजियाबाद नहीं आएंगे ना पीछे बैठ करने। तो गाइस बहुत ही कठिनाइयों का सामना करके ये देखना क्या बेवकूफ आदमी है क्या, उठाना जरा इसके गाड़ी में फेंक के आऊं प्लास्टिक की बोतल, उल्लू का बैठा बोतल यहीं फेंक दी। ए रुक इसको सुनाती हूं मैं भाई, मतलब क्या बाबा ये मत करी, गंदे से लोग हैं लड़ने वाले हैं तो लड़े ना मेरे से आके बेवकूफ आदमी। क्या भाई कहां से इलिटरेट नंबर बता दे ओए, MH31FB3355 ये देखो गाड़ी का नंबर, तमीज ही नहीं है इसको, प्लास्टिक की बोतल फेंकी अभी साले ने, इन्हीं के चक्कर में तो सारा हाँ यार खराब होता है। और ब्लेम किस पाते इन्फ्लुएंसर्स पे, हम तो हमें बोलेंगे कि हम इन्फ्लुएंस करते हैं, तुम बोलते हो कि लोग मतलब भाई इन गधों के चक्कर में होता है। सो गाइस चलो एनीवेज लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट हम पहुंच चुके हैं चांगला व्हिच इज एट 17,000 feet। और ये मेरे ना मेरे बहुत टाइम से मन है कि मैं क्लाइंब करूं, क्योंकि मैं ना मैं स्टोरी टाइम बताता हूं, क्योंकि बहुत टाइम मतलब बहुत बार हम यहां पे आए हुए हैं। तो एक बार जब मैं और सानिया आए थे आई थिंक, तो यहाँ पे आर्मी ऑफिसर्स के साथ हम बैठे हुए थे, चिल कर रहे थे, चाय वाय पिला रहे थे, सानिया की ऑक्सीजन भी चेक की थी, उसकी लो हो गई थी, तो वो मेरे को कहता कि जब आप वापस आ रहे होगे तो आप सानिया को छोड़ो, आप आ जाओ मैं आपको ऊपर टॉप तक क्लाइंब करा के लाता हूँ। और इसके नीचे एक बबलू नदी भी है, लेक भी है यहाँ पे छोटी सी, बड़ा बहुत ही बेहतरीन है। अभी नीना आते उड़ाऊंगा, अभी इतनी भीड़ है ना यार, बीटी हो जाएगी बीटी, इसको तो मैंने डांट के जाने बबलू मत बोल यार इसको, बस यू गाइस शुड हैव माय बैक दैट्स इट यार जाने यार पंगे नहीं ले रहा उंगली क्या दिखा रहे हैं अपने आप को, दिखा मैं दिखाती हूँ उसको उंगली। वो यहाँ पे कैफेटेरिया कैमरा सेट करने से कैफेटेरिया कैफेटेरिया भीड़ मत आगे रोक लेना। चोरी लग रहे थे तो So, भाई का मास गिर चुका है, भाई दिखाएंगे एनर्जी लेवल कितना है। खैर तुंगला पे पुशअप मारना था बट कर नहीं पाए थे, इसने पहले ही कसरत करा के मुझे ऊपर चढ़ा दिया, देन यहां पे हम पुशअप मारेंगे। वर्ल्ड हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट पास, अब थर्ड हो गया, पहला उमलिंगला। कितने बार है? 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो गाइस मैं वैसे 100 भी मार लूं बट उसके बाद यहाँ से हमें उल्टा जाना पड़ेगा। वैसे भी दानिश ने हमें एक ऑक्सीजन सिलेंडर भिजवाया हुआ है, हमें ही तुझे मार के दिखा 10 पुशअप, मैं 20 मार दूँ, चल पुशअप कंपटीशन, मैं फ्लाइंग मार दूँ पुशअप कंपटीशन, आ जा पुशअप कंपटीशन की रूल है जस्ट फ्लाइंग ऑन फर्स्ट कंपटीशन रखते हैं, नहीं पुशअप कंपटीशन, चल कर तू 5 करियो हम 10 करेंगे, नहीं मेरे से नहीं ये गिर जाएगा, कौन पागल है क्या भाई, ये देखो गाइस टू मच भीड़ मतलब लेफ्ट से सॉरी, चल गाइस वी आर क्रॉसिंग द थर्ड हाईएस्ट पास। तो गाइस यहां मैं जो स्टूपा है इसको हमेशा क्लॉकवाइज करते हैं, मैं 2-3 बार बता चुका हूं, दैट्स व्हाई हम लेफ्ट से गए हैं। चांगला पास इज ओवर, वी विल बी रीचिंग पैंगोंग इन अबाउट 3-4 hours 3 hours पूपट्स। अब इसको गाड़ी दिख रही है बेवकूफ को, उधर से देख उधर से टायर देख, चल 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 चल, ये यहाँ पे ना जो लोग हैं लोकल को अगर चलानी नहीं आती, ले लेफ्ट में ले ले, अगर लोकल को चलानी नहीं आती तो जो बाहर का है वो कैसे चलाएगा। मस्त मस्त गिरी हुई गाड़ियाँ, वन ट्रक अनदर वन ट्रक, चल 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 आजा लेफ्ट को ले, लेफ्ट को ले 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 लेफ्ट को ले ले, राइट को देख के ले, हाँ हाँ साला बच गया साला। भाई तू एंड मोमेंट पे ऐसे ब्रेक के मत मार, पहले रुक जा कर, अबे ब्रेक नहीं मारते मैं राइट टर्न काट रहा था, वो इसमें एक्सीलेटर पावर ही नहीं आई। भाई अभी क्या हुआ है, जैसे ही इसने कहा एक बारी में निकाला तो मैं एक बारी में निकाला था, जैसे ही थोड़ा सा आया मैं स्टीयरिंग मोड़ा, मैं एक्सीलेटर पे था, पावर ही नहीं आ रही गया पापा। और अभी 2 मिनट पहले बोल रहा था वाह अच्छी पावर आ रही है, नीचे जाते मुझे लगा सही पावर आ रही है, फिर से मैं कॉन्फिडेंस में मैंने फुल एक्सीलेटर दिया, बैठ बोल रही थी मैं, हे भगवान जब ऊपर आ रहे थे ना भाई मेरे को प्रॉब्लम हुई है भाई।
तो गाइस यहाँ किसी में को भी अकल नहीं है, मेरे को तो बहुत ही गुस्सा आ जा रहा है बार बार, तो मैं इसका थोड़ी सी मैं अकल दे दूँ। जब ऐसे पहाड़ों में जा रहे होते हैं और यहाँ पे ऐसे बंदर है, अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो अगर नीचे से कोई गाड़ी आ रही है वो देख के जगह देगी पहले ही, ये नहीं कि घुसते चले जाओ। यहाँ पे ये ड्राइवर ड्राइवर ये पैसों के चक्कर में इतने यहाँ पे वो उसके चक्कर में ये सब जल्दबाजी के चक्कर में सब उड़ाए जा रहे हैं, कोई किसी को जगह नहीं दे रहा, कोई वेट भी नहीं कर रहा, सब घुसे हुए हैं। वो आ रहे हैं, वो पीछे से आएगा वो घुसा देगा। मैं भी अभी इससे पहले वाला ट्रिप देखना हो, ट्रक वाला भी आ रहा है पहले, भाई तू रुक जा कहीं पीछे, घुसे चला हुआ है, घुसे जा रहा है और जगह ही नहीं है राइट साइड पे। हाँ, और जगह ही नहीं है, खाई है मतलब। और इनको तो पता है लोग यहाँ पे रोज एक्सीडेंट होते हैं, फिर भी ऐसे पागल है। और ये सब कुछ भी नहीं होता जब विंटर में हम अगर कभी आते हैं ना, जब लोग नहीं होते, जब टूरिस्ट नहीं होते ना, इनको कमाई करनी है ना भाई, दिन के अप डाउन पैसे कमाओ, आग लगा दो, सबको गिरा दो नीचे खाई से पट्टे। बेवकूफ है ट्रक वाला, ट्रे ट्रक वाला वो उसमें घुस गया और अभी वो दे देता नीचे। बजे अबे वो स्टीयरिंग मुड़ जाता पूरा, अबे वो ट्रक वाला बेवकूफ था, चढ़ा देता उसके ऊपर। ग्रेट जॉब, गुड जॉब। मैं सोचा व्लॉग ना बंद मेरे को छोड़ दो, व्लॉग मैं जो उठाओ पहली बारी करण सहगल, गुड जॉब, क्या बात है। अबे ऐसी दिल देख लिया आज, ऐसी सिचुएशन में तो कंटेंट छोड़ना पड़ेगा, मतलब तो कैसा भी नोज दैट हम किसी के दूसरे के उस पे हम कंटेंट नहीं बनाए। देखो करण की पंजाबी कैसे निकलेगी। सो गाइस जो मैं बता रहा था, लास्ट टाइम हम जब आए थे तो हम रोहतांग से आए थे, तो रोहतांग से जो रास्ता आता है वो इधर से आता है, तो इधर मीट करता है। ये अभी हम हैं तांगस्ते में, आगे तांगस्ते है, ये दुर्बुक है, बट दुर्बुक में मीट करते हैं रोहतांग से जो रास्ता आता है। अब भाई चला रहा है, कैसा रहा भाई तेरा, भाई कैसा रहा एक्सपीरियंस? इसको वाटर भी मिल गया, सैंड भी मिल गई, अब बस सीधा गाड़ी में पैंगोंग के अंदर कूदा। नहीं मैं जब पैंगोंग आने वाला हूं तो मुझे पीछे बैठना है, मेरे को ऊपर से शॉट्स लेने हैं। सो आई कॉल टिप्स ऑन द ड्राइवर सीट। गाइस हमारा नंबर है 294, अगर मैं भूल जाऊं वापस आते हुए बताना है 294। ब्रेक इट्स glimpse of Pangong, देख लो। तो गाइस ये है पैंगोंग का फर्स्ट ग्लिम्स, यहाँ से हमें थोड़ी सी स्नीक पीक दिख जाती है, लिटिल बिट लाइक स्नीकी पेटल लिटिल बी। हम लोग हमें जगह नहीं मिली फिर रहने की, बस गाड़ी में जाएंगे, इसको छोड़ के चले। हाँ यार, तो गाइस यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको बोर्ड दिख रहे हैं, मैं आपको इसकी भी स्टोरी बताता हूँ। जब हम 7 साल पहले आए थे, जब सानिया और मैं आए थे, तो हम आर्मी के थ्रू आए थे सब, तो हमने बोटिंग भी की थी। मैं साथ में अगर मुझे फुटेज दिखती है तो मैं लगाता हूँ। ब्रेक इट्स,
गाइस ये जगह इतनी सुंदर थी कि मैं ब्लॉग करना ही भूल गया। मेरी रील्स ली, करण की रील्स ली, मेरी स्टिक टूट गई साली, अब मैं वो करण की उधार लेनी पड़ेगी। और अबे रेंट लगेगा, रेंट अबे वो साले 500 रुपए दुबई से जो आता हो ना साले, कमीशन लगाओ 20% है। सॉरी सॉरी मेरे मुंह से निकल गई, रेंट माफ करो भैया, मेरा मुंह तो निकल गई, क्या बताऊं भैया। कहाँ जा रही है? जिप्सी, ये जिप्सी बन जाएंगे एकदम। अबे जिप्सी है ये? जिप्सी हाँ, ये टट्टी है, मूर्ति नहीं है। चल हाँ, तो गाइस अभी हम जा रहे हैं, अभी और रील बनाते हैं। मेन पॉइंट ये है, हमारे पास अकोमोडेशन नहीं है और हम यहाँ पे रील बना रहे हैं और 6 बजने वाले हैं। हमारा छोटा भाई बबलू अब करेगा बढ़िया ऑफ रोडिंग। चढ़ा दे यहाँ से भी जा सकते हैं, लेफ्ट से रुक नहीं सकते हम, कंफ्यूज हो रहे हैं, हमें रास्ता नहीं मिल रहा है। नीचे ले, वापस नीचे ले, नीचे ले, हमें ऊपर जाना है। छोटा भाई मेरा बहुत ही तेजी से बढ़िया गाड़ी चला गया, हमें यहाँ से ऊपर जाना था और ये करण ने बोला कि नीचे चलो और नीचे ले गया। करण बड़ा करण, करण गूगल मैप्स खोल के बैठा हुआ था ना, करण गूगल मैप्स खोल के कुछ कुछ भी गलत हो करण ने बोला था। हाँ करण ने बोला, करण पहली बार आ रहा है, करण ने सब, बट भाई सच्ची यार बहुत सुंदर है ना, और वापिस जाते हैं ना, कल मन नहीं करेगा जाने का। होप इंडिया इसको बचा के रखे, स्पेशलाइज ना हो। But it's not who you might think it is. It's someone who you're already loving. I've been over this for a long time now, and I finally know where my heart is. This is our last kiss, and I hope. चलो गाइस हम अपना लक ट्राई करते हैं, देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं। Otherwise we'll be in poopets. भैया यहाँ रिसेप्शन का है? अरे हमने फोन किया था इसको, उन लोगों ने बोला कि नेटवर्क नहीं होता, तो वहाँ जाके पता करना पड़ेगा। क्या करना है? वही स्टेज ही है। कितना है? बस 3 है। अब बताओ कितने बुकिंग है? क्या बुकिंग नहीं, उनको किया ना, उन्होंने कहा हम यहाँ से नहीं कर सकते, वहाँ जाके बुक करो, तू मिल जाएगा। बट अच्छा वाला चाहिए, व्यू वाला। सब अच्छे सर, अच्छे ही है। एक बार दिखा दो एक कोई अच्छा रूम, और प्राइस बता देना। बुकिंग नहीं है, बुकिंग गेस्ट। अरे मैं यहाँ पे आया हूँ पहले, एक संदर्भ 40 ना बोलो मेरे में, 40 नहीं साले मेरे ज़्यादा है। दो रूम दे देना। किससे बात हुई थी आपकी? हमारी हुई थी अभिलाषा से। अभिलाषा, अभिलाषा 7,500 बताया था। साढ़े 3,000 बताया था जिसको मैंने फोन किया था, उसने 3,500 बोला था। अरे थोड़ा डिस्काउंट तो लगा दो, 2 रूम लेने ना यहाँ पे, तुम्हारे यहाँ खाली जाएगा, कोई आ भी नहीं रहा। 5,000 का दे दो, 2 रूम ले लेंगे। भैया उनको बोलो यूट्यूब पे सर्च करें, करो चैनल, उनको फोन मिल रहा है, उनको हमारा नाम बता दो। बढ़िया सर, फोन आपने मैसेज किया था, मेरी बात कर, बात करा दे किसी से। अच्छा BSNL आता है यहाँ पे? BSNL है। हाँ जी बढ़िया सर, काफी बढ़िया है फोन तो, बस 7,000 कह रही है फॉर वन रूम। ओह गॉड, विद डिनर एंड ब्रेकफास्ट। अबे वो नॉर्बलिंग भी तो है पीछे, हाँ देख लेते हैं। आप बहुत ज्यादा है यार, पागल है तू। मैं 5 में कर दो यार, इन भैया को मैं दुबई ले जाऊंगा, सेल्स में मस्त है एकदम। कहते 180 बेड में ले लो 9,000 में। अभी बार्गेनिंग की कोशिश जारी रहेगी, कशिश की कोशिश। क्यों कशिश, तुम कोशिश कर रहे हो? YouTube पे ना बढ़िया है, आप फेमस होने वाले हो। सुनो मेरी बात, कोई बात नहीं सुनो सही। अभी अगर आपका YouTube चल रहा होता ना, आपको नाम बताता, मेरे को स्क्रीनशॉट पड़ा होगा अपनी प्रोफाइल। YouTube वाले मेरे पास बहुत है, मैं 24 घंटे घूमने वाले हूं। 8800 मैं कह रहा हूं, 10,000 दे दो, 2 कमरे दे दो ना। 8800 हुआ ठीक है, 9,000 में आप 2 कमरे दे दो। अब 9,000 तो वैसे ही ले रहे हो, अब 1.5 कमरा दे अभी, अब 2 कमरे दे दो 9,000 में, बात खत्म। मैं वैसे आधे बंदे का रात को भी नहीं खाना खाएगा, भूखा सो जाएगा। खाना तो खिलाते हैं हम सब, वही कह रहा हूँ, 9,000 करके खत्म कर दो। जय हिंद, जय हिंद। आर्मी वालों को क्या मानना है आपका, आर्मी वालों के बारे में? बढ़िया, पापा आर्मी में, कर्नल मैं तो पूरी मेरे सारे रिश्तेदारी में। हाँ तो पापा मेरे ब्रिगेडियर है, आपका ये तो ब्रेड है। आई हैव फॉलोड ऑल योर स्नीकर्स, करंटली आई हैव ब्रॉट साइराकूज, दिस इज कोस डंक। मैं भी लाया हूं, मेरे आप कोस डंक रखियो यार, ये एसपी तो लुई विटन ले रहा है। अरे वो लोग तो ऑलरेडी पहन है, अरे इनके पास तो पलमेन भी है, तो भाई तुम इसीलिए थे कौन से पलमेन, पिछली ट्रिप से, आपके आपके ट्रिप से पहले, अबे वो लास्ट फेब में या वन ऑनलाइन से ट्रांसफर करना।
अरे तो नंबर दे दो, मैं फोन करके ट्रांसफर करवा दूंगा। नहीं तो दिरहम ले लेना, चलो मैं किसी फोन करके पेमेंट करवा दूंगा ना। हाँ, किसी को यूपीआई गूगल पे करवा दे। गूगल पे यूपीआई तो चलता ही है हर जगह। पड़े बाकी मैं करवा दूंगा किसी फोन करके। आधे कैश आधे ऑन दे नंबर वाला कैश। शिट यार, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। इसको मैं बैंड बजाऊं अच्छे से, इसमें बोलता नहीं वैसे। मतलब भाई बंदे में क्या एटीट्यूड है, धरती में नहीं रह सकता उन लोगों का भट्ठा। सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं कि भाई हमें रहना है रेले। मैं तेरे को बोल रहा हूँ किसी अकाउंट पर डलवा दूँ, फिर भी समझ आ रहा हूँ। अरे बहुत ही एटीट्यूड भाई, वो बंदा यूपीआई भी नहीं ले रहा। तू मेरे को वापस जाने दे, इससे नंगा नहीं गया, मेरा नाम बदल दियो। तू प्लीज को एक स्टार सारे सब्सक्राइबर से या सारे फॉलोअर से। अब मैं इससे मांग के जा रहा हूँ ना, क्या करें? किससे मांग रहा? इसको मैं दूंगा। अब वो बारह तो हो नहीं रहे, वो धर्म भी नहीं ले रहा, यूपीआई भी नहीं करवा रहा, यूपीआई भी नहीं करने दे रहा। मैंने कहा भाई सोल्यूशन फाइंड करना, इतना क्या एरोगेंस आ गया तेरे में? मैं आप लोगों को पूरी स्टोरी बताता हूँ। इसने पूरी स्टोरी बताई है कि उसको भाई करोड़ों का धंधा आ रहा है, उसका गोवा में भी है, उसको यहाँ पे मालिक आदमी है, उसको फोन पे फोन भी नहीं कर रहा वो उसको। भाई मैंने ना अभी तक इंट्रो शुरू नहीं किया, तो पहले मैं सोचा था अरुणे की क्लिप से लूंगा, तो बट अब मैं प्रॉपर इंट्रोडक्शन कर रहा हूं बिकॉज़ ही इज हेल्पिंग अस आउट। तो कब से फॉलो कर रहा था पहले ये बता। आई बीन फॉलोइंग यू सिंस यू हैड 50k सब्सक्राइबर्स। तो ये मुझे स्टार्टेड विद योर फूड। हां तो ये तब से मुझे जानता है, और अरुणे को भी मेरे जूतों की कलेक्शन नहीं पता। इसको अभी आपका स्पॉन्सर भी है ना, इसका मिलना लिखा हुआ था, समझ रहे हैं? इसका लिखा मिला हुआ था। ये मतलब एवरीथिंग। मैं ना अभी सोच रहा था कि शीटे में बंदा और हम इसको जानते थे, इससे मांग लेगा और नीचे मिल गया। एक्चुअली यू गाइस वर स्टेइंग एट ग्रैंड ग्रैंड राइट, आई वाज जस्ट नेक्स्ट डोर, जस्ट नेक्स्ट डोर, बट एक्चुअली हम लोग अभी इतना ट्रैवल करके आ रहे हैं। मैं ट्रैवल करके आई वाज रियली थिंकिंग ऑफ टायर्ड और डिस्टर्ब हो गया, देन द नेक्स्ट डे आ रहा था हर दिन कोई नहीं आ रहा। एक्चुअली पहला वाला देना, हेलो 9000 ठीक है सर, लास्ट वाला जी। हाँ रील बनानी है ना। अच्छा ठीक है सर, गिन लो। कोई बात नहीं, आपने दिया तो गिन लो। ठीक है मैं बिजी है गेस्ट। हाँ सर बेड लगेगा ना जमीन पे, तो लगाओ। गद्दा लगेगा सर, गद्दा होता है जमीन पे। हाँ जी हाँ जी, बेड तो लगाओ कम से कम यार। गुरु जी बेड नहीं होते, जितने बेड रूम में लगे एक्स्ट्रा गद्दा लगेगा। मैं बता देता हूँ आपको गद्दे का साइज कैसा होता है। कितना कितना साइज? अभी मुझे पता चाहिए, इतना मोटा है भैया। हाँ ऐसा मोटा ही तो है, क्या करेगा। अब रैली आता है, बहुत वेस्ट होते हैं, पिकनिक भेज दो जल्दी। ठीक कर रहा हूँ, बीजी जाए थोड़ा जाए। ठीक है पूरे नौ है, चलो कमरा दिखाओ। कौन है वाला चाहिए, पहला वाला? क्या सीन आ रहा है यार, एक दो घंटे हमारे यहाँ वेस्ट करा दिए, करारा जवाब मिलेगा। दो गद्दे बिछा देंगे। सो गाइज हम आ चुके हैं यहाँ पे पिकनिक बनाने। ये जब तीन ब्लॉगर्स कर रहे थे तो सबका टाइम लगा है, लाइट भी जा रही है, वो भी लगाओ, ये भी लगाओ। हम यहाँ करेंगे बढ़िया पिकनिक्स। हमारे पास दानिश ने सामान भेजा हुआ है बढ़िया एकदम। ओह वाओ नाइस बर्गर्स, सम बर्गर्स, चाय भी होगी, सम कावा, कावा भी है। जल्दी क्या क्या आया मेन्यू में? ये हमारा पिकनिक शकत, छोटा एंजॉय कर रहा है। थैंक्स टू दानिश फ्रॉम ग्रैंड ड्रैगन पब्लू। हां वेलकम, अब तो वेलकम करोगे? मैंने ऐसे भी किया था सर। ओह नाइस। सो गाइस ये है रूम, बढ़िया। ओह नाइस, अच्छा है ना? हाँ। ये करण का बेड, करण करण। चल बाबलू मेरा ना आइडिया सुने तूने, गाड़ी पे पीछे मुझे सेक्सी आइडिया आ गया। मैं पीछे गाड़ी की डिक्की पूरी खोलूंगा, उसमें सेटअप बनवाऊंगा और सेक्सी बॉय बनाएंगे, सेक्सी व्हील्स। चल पहले सर डांस कर ले। मेरा भाई के होट पॉपुलर हो गए यार आज। डेड मत जियो मेरे भाई। नहीं ठीक हो? चल ठीक है, दारू पियो दारू। यार हमने रशिया से दारू ही नहीं पी, मतलब ढंग से। क्या मतलब ढंग? दारू रशिया वाली हम सुबह स्टार्ट करते थे, यहाँ कोई आसपास नहीं है ना। चल अभी यूरोप जाने वाले हम, यूरोप जाके धमाल मचाएंगे। ऐसा कोई धमाल नहीं मचाएंगे। क्यों छोटे? चल बाथरूम पे दिखा दे थोड़ा।
आगे जाके लगा देना। हाँ नहीं अभी नहीं, रात को लगाऊंगा यार, आज तो काम नहीं कुछ करना। हाँ चलिए गाड़ी चला, गाड़ी में बैठ के सीट पूरी पीछे करके। हाँ क्योंकि यहाँ हाँ चल बढ़िया स्टार्स लेंगे। चल ठीक है छोटे, हम लोग गाड़ी के ऊपर बैठ जाएंगे, बढ़िया एकदम कोशिश करेंगे। आई वांट टू स्पॉट शूटिंग स्टार्स। चल ठीक है रात को देखते हैं। पहले मैं बहुत देखता था, मैं पूरी रात बैठ के ना दारू पीते पीते शूटिंग स्टार्स देखता था, स्पीति में बैठ के छत पे, जैंग चुक की छत पे बैठता था और देखता था ब्रेक इट्स। ये देखो भाई साहब अटैक कर चुके हैं। क्या है कुछ बढ़िया दिखा रहा है भाई? सूप ने काम खराब किया था, ध्यान से पियो भाई। वो खाना और सूप तुमने दोनों पिए थे। शेट यार, चलो बुफे देख लो। पैंगोंग, सम राइस, सम राइस दाल, सम पनीर, खत्म ही लग रहा है। सम खीर तूने भी डाल लिया यार? मैं तो विस्की पी रहा हूँ, तुम सूप पी रहे हो। व्हाट द हेल ब्रो, बाबा। दिस इज आवर टेंट फॉर टुनाइट। हमने यहीं पे एक्स्ट्रा बेड लगवा लिया था बिकॉज दीज गाइज आर बीइंग टू मीन। अरे वाह थैंक यू, ये लो। दिस इज द बाथरूम प्राइवेट। हम कितने पैसे दे रहे हैं इसके लिए? 9000 इंक्लूडिंग डिनर एंड ब्रेकफास्ट। पैसे मैंने कहीं पे नहीं पटे होंगे। मतलब ये प्रॉब्लम नहीं है मेरे को पैसे देने में, प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इसको पहले ही बोल दिया था, मैं कहा मैं दे दूंगा, कोई टेंशन नहीं। पैसे देने में नहीं, पर जैसे वो बंदे ने बात की ना और वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा था। हमारे पास सिर्फ 6000 कैश था, 3000 सब्सक्राइबर ने दिए इसके कारण के। और तो मैं उसको बोल रहा था कि भाई तेरा फोन चल रहा है यहाँ पे BSNL का, UPI करके दो मिनट में सॉल्यूशन सबके। हाँ जो देता कह रहा नहीं लेना इनको, भगा ऐसे बोल, कैश है तो है नहीं तो जा यहाँ से। मतलब ही वाज दैट मीन। सो आई विल, आई वांट टू नो, मतलब मैं तो पता लगवाऊंगा ये ओनर कौन है। उसकी माँ बहन भी मैंने एक किया। जय हिंद। एनीवे कल सुबह मिलते हैं एंड लेट्स कंटिन्यू दिस व्लॉग टुमारो।